नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगाते हुए नजर आई, लेकिन इस बार झटका तो बहुत जोर का लगा है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे अहम चेहरे को दरकिनार किया जिसका खामियाजा इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गया। ऐसे में कुछ ऐसे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार करने के साथ साथ उनको इम्पोर्टेंस भी नहीं दी, जिसमें अपर्णा यादव का सबसे पहले नाम आता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए वरुण गांधी हैं और बदायूं सीट से संगमित्रा मौर्य थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया और बदायूं सीट से भारतीय जनता पार्टी हार दर्ज कर लेती है। वहीं मेनका गांधी को लेकर जिस तरीके से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि पीलीभीत से उतरेंगी और वहां पर फिर भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट में उनको सुल्तानपुर सीट से उतार दिया, जिसके बाद उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करती हुई नजर आई, 2.5 साल से पार्टी में पड़ी है लेकिन अभी तक उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो क्या अब वो सपा का रुख करेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो 7 राज्यों में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी देगी या फिर अखिलेश यादव किसी सीट पर उनको ऑफर कर सकते हैं। अटकलें तो यही लगाई जा रही है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जल्द से जल्द अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी देने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से भुनाती हुई नजर आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यूपी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर अपर्णा यादव का जो एक राजनीतिक करियर है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आश्रुति, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के राजनीतिक करियर की बात करें तो अपर्णा यादव, आप देखिए, साल 2018 में जिस हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंत में जाकर उन्होंने शरण ली थी, शरण लेने का कारण यही था क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा था, शिवपाल यादव की मौजूदगी में भी उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा था। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जिस हिसाब से अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ने उस वक्त भी अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं अगर एक तरह से कहें तो राजनीति के तौर पर उनको दबाने का जो प्रयास करा, इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी में वो साल 2019 में शामिल हुई। उनकी कहीं ना कहीं कुछ आप देखिए कुछ उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं जिन उम्मीदों के तहत वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन उन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं आप देखिए खड़ी उतरती नहीं नजर आई, बीजेपी आला कमान खड़ा उतरता नहीं नजर आया। और वही अपर्णा यादव फिर राजनीति में उतनी सक्रिय 2019 के बाद से रहती नहीं दिखाई दी, क्योंकि भले ही आप कह लें कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की पार्टी है, लेकिन केंद्र की पार्टी होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में अपनी भूमिका निभाने के लिए आपको कहीं ना कहीं सरकार में योगदान तो दिखाना पड़ेगा, पार्टी के कार्यकर्ता बनकर आखिर कब तक रह लेंगे। तो अपर्णा यादव शायद ये कहीं ना कहीं ये रणनीति अभी तक नहीं समझ पाई है, इसी के चलते 2019 में उनको मौका नहीं मिला। आप देखें 2019 के लोकसभा चुनाव निकल गया, इसीलिए वो सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आई थी सपा का साथ छोड़ के कि उन्हें बड़े स्तर पर कोई मौका दिया जाएगा, प्रत्याशी के तौर पर कहीं से उतारा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने उन पर कोई दांव नहीं चला। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई भरोसा नहीं दिखाया। उसके बाद आप देखें अब 2024 के लोकसभा चुनाव, उनको जब मैनपुरी से कहीं ना कहीं उतारा जा रहा था उन्होंने मना कर दिया, उनके मना करने का कारण कि हम अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जाएंगे। तो देखिए, अगर आप परिवार के विरुद्ध ही नहीं जाएंगे तो आप कैसे ही उम्मीद कर सकती हैं कि आखिर आप कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ और कितने लंबे समय तक आप काम कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति के तौर पर आपको अपने परिवार के विरुद्ध भी जाना पड़ेगा। आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे, वो भी अपने पिता के विरुद्ध ही गए कुशीनगर की सीट से, तो आखिर क्यों अपर्णा यादव कहीं ना कहीं अपने अपने परिवार के खिलाफ, अपने परिवार के विरुद्ध क्यों मैनपुरी से नहीं उतरी? या तो उन्हें हार का डर उस वक्त सता रहा था। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा उठता है कि केसरगंज से रायबरेली की सीट से, इन दोनों ही सीटों से लगातार कयास तेज थे कि अपर्णा यादव को उतारा जा सकता है। केसरगंज से देखिए, अगर वो चुनावी मैदान में उतरती तो आज केसरगंज में आप कहीं ना कहीं जो स्थिति बन रही है वो शायद स्थिति दोबारा पैदा नहीं होती, क्योंकि ब्रिजभूषण की सांसदी अगर अपर्णा यादव जीतती तो ब्रिजभूषण की सांसदी अपर्णा यादव के पास जाती। लेकिन रायबरेली सीट पर कहीं ना कहीं अगर आप आंकड़ों की बात करें, आकलन की बात करें, तो बुरी तरह हार का सामना कहीं ना कहीं उनको करना पड़ सकता था। मौजूदा स्थिति इस प्रकार की है कि सपा में अगर वो वापसी करेंगी तो अखिलेश यादव इस वक्त पर आकर क्या उनको मौका देंगे या नहीं देंगे, और कहीं ना कहीं उनका जो उन्होंने जो करहल की सीट भी छोड़ी है, शुरुआती दौर में कयास इसी प्रकार के थे कि करहल की सीट अखिलेश का छोड़ना अपर्णा यादव के लिए है। लेकिन अपर्णा यादव अभी भी कोई औपचारिक ऐलान नहीं कर रही है, अभी भी किसी तरह का उनका बयान सामने नहीं आया है। या तो वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना नहीं चाहती, बीजेपी आला कमान इस उपचुनाव में उनको किसी सीट से उतार के टिकट दे रही है, या फिर कहीं ना कहीं सपा में भी जाकर उनको इस बात पर कोई मोहर लगाती नहीं नजर आ रही है अपने खुद के स्तर पर कि उनको सपा में कोई मौका मिलेगा। तो देखिए, जिस हिसाब से अपर्णा यादव राजनीति में चल रही है, ये राजनीति में उनकी सक्रियता लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, उनको एक बुलंद तरह से कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप देखिए सपा से भी हाथ धोएंगे, सपा से पहले
खाली हाथ दो बैठी हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं पार्टी से उन्हें निकाला दे सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे में आपने बात की कि वो एक कहीं ना कहीं सेफ साइड करने खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरीके से अगर राजनीति में अपना वर्चस्व साधने का प्रयास कर रही है तो ऐसे में उनका ही राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसके पहले जब अपर्णा यादव लगातार ये बात कहती हुई नजर आई थी कि वो पार्टी के काम से खुश हैं और कहीं ना कहीं उनका योगी आदित्यनाथ के साथ एक रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आने वाले चुनाव में या विधानसभा चुनाव में या उपचुनाव में उनको कोई बड़ा मौका दिया जाए। देखिए, योगी आदित्यनाथ पहले से एक राजनीति के एक अलग ही गर्त में इस समय चल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर तमाम तरह के सवाल खड़े करे जा रहे हैं। इसलिए अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपर्णा यादव से ना जोड़े तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एक अलग तरह से तूल पकड़ेगा, क्योंकि अपर्णा यादव को योगी आदित्यनाथ अगर अपर्णा यादव की गुहार ऊपर बीजेपी आला कमान से लगाते भी हैं, यानी मोदी और शाह से लगाते भी हैं, तो भी आप देखे कहीं ना कहीं क्या उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव को वो मौका दे सकती है बीजेपी। अगर वो मौका देगी और अगर अपर्णा यादव को योगी आदित्यनाथ पे इतना भरोसा है ही, तो आखिर उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में क्यों कोई मेहनत करने के प्रयास नहीं किया, क्यों कोई रणनीति नहीं चली? और सबसे बड़ी बात, अगर आप भाई मानती हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो भाई के साथ तो रिश्ता फिर आपका अलग होना चाहिए, फिर आप उस रिश्ते के तौर पर ही किसी आप राजनीति में कहीं ना कहीं अलग तरह से कदम रखने का प्रयास करते। मुझे लगता है अपर्णा यादव खुद ही सक्रिय नहीं है इस राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी वो आप देखें उन्होंने किसी तरह की सक्रियता बरती नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर इस बार उपचुनाव में वो उतरती हैं तो उनके लिए एक बड़ी आप देखिए एक जंग किस्म की होगी, क्योंकि पहली बार आप देखिए बीजेपी में आने के बाद वो चुनाव लड़ेंगी, और अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो समाजवादी पार्टी में जाने के तो फिर उनके जो दरवाजे हैं मुझे लगता है फिर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अभी भी जो दरवाजे खुले हुए हैं, अभी भी शिवपाल यादव का ये कहना है कि हमारे जो घर के बच्चे हैं वो संस्कारी हैं, तो अगर संस्कार के तौर पर अगर आप देखें तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी से बगावत नहीं करती हैं तो मुझे लगता है आप संस्कारों में तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन फिर आप सपा के लिए आपके पास जो जाने के दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में लेकिन अपर्णा यादव लगातार जिस तरीके से एक डिनाल मोड में चल रही थी, आप देखेंगे कि काफी समय से जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, उन्होंने किसी भी तरीके का आवाज नहीं उठाया, वहीं पार्टी के आप देखेंगे तमाम नेता हैं अगर उनको टिकट नहीं मिलता है या कोई पदभार नहीं मिलता, मंत्री पद नहीं मिलता, तो नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आखिर अपर्णा यादव की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो भारतीय जनता पार्टी को इतने लंबे समय से बिना जिम्मेदारी के झेलते हुए नजर आ रही है, या फिर उनका सपा के पास जाने के पास अगर देखा जाए तो कोई उनका मन नहीं है, या फिर वो किसी और पार्टी का रुख नहीं करना चाहती है, क्या ऐसी बड़ी मजबूरी हो सकती है? देखिए, मौजूदा स्थिति इस प्रकार की है कि अपर्णा यादव सपा में शामिल होना चाहती हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। कारण उसका यह है क्योंकि अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बात करें तो औपचारिक तौर पर दोनों की ही तरफ से कोई भी ऐलान जो है वो सामने नहीं आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया है अखिलेश यादव, उनका बनता है कि कोई औपचारिक ऐलान अपर्णा यादव के लिए करें, अगर वो सीट खाली करते हैं तो उनका बतौर आप देखिए एक राजनेता के तौर पर उनका यह ऐलान होना चाहिए कि अपर्णा यादव के लिए ये सीट जो है कहीं ना कहीं खाली करी गई और हमें उम्मीद है कि अपर्णा यादव सपा में आए। लेकिन अगर आप देखिए अखिलेश यादव या अपर्णा यादव की कहीं ना कहीं आप देखिए उनके एक तरह से कहें तो उनके स्वागत के लिए या एक तरह से कहें कि उनके लिए अगर वो सीट खाली कर रहे हैं तो उस पर ही अगर वो कोई औपचारिक ऐलान नहीं देंगे तो आखिर आपने करहल की सीट अगर खाली की भी है तो किस मुद्दे पर की है, ये बहुत बड़ा सवाल अब देखिए कहीं ना कहीं खड़ा होता है। वहीं अपर्णा यादव इतने लंबे समय से राजनीति से दूर रही है तो अगर सपा भी उन्हें अपने टिकट पर उतारती है तो कहीं ना कहीं सपा को भी इस बात की मुझे लगता है एक मोहर समाज पार्टी भी नहीं लगा पाएगी कि अपर्णा यादव जीत दर्ज कर पाएंगी। उसी डर वही डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मौजूदा स्थिति में खा रहा है कि अगर अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनावी मैदान में अगर हम उन्हें उतारते हैं उपचुनाव के लिए भी तो क्या अपर्णा यादव जीत दर्ज करके ला पाएंगे, क्योंकि उपचुनाव आप देखिए होते इसीलिए हैं कि जिन सीटों पर स्थिति समीकरण बदला हुआ है उस स्थिति को कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो अपने कब्जे में ले जाए। प्रत्याशी इस प्रकार का उतारना पड़ेगा, दाव उस प्रत्याशी पे लगाना पड़ेगा जिस दाव पर आप जीत दर्ज कर पाए। जैसे प्रियंका गांधी देख लीजिए वायनाड से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद, तो प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं इस बात पर अंदर खाती अगर बातचीत हो तो प्रियंका गांधी इस बात पर पूरी तरह से श्योर है कि जीत वायनाड से वो लेकर जा सकती है। लेकिन क्या अपर्णा यादव कहीं ना कहीं इस बात पर मोहर लगा के कह सकती है, ये सवाल जो है ये एक स्थिति जो है कहीं ना कहीं सपा के मन में भी और बीजेपी के मन में भी है। जी बिल्कुल, अपर्णा यादव एक बहुत बड़े सपने के साथ भारतीय जनता पार्टी का रुख करती है और उनको लगता है कि वहां जाकर उनको पदभार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन वही शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव लगातार
लगातार यही बात कहती हुई नजर आई थी कि अपर्णा यादव अगर हमारी पार्टी में आती हैं, समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी, तो उनका स्वागत किया जाएगा। वैसे में देखना होगा कि इस बार के उपचुनाव या विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव किसका रुख करते हुए नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी में किसी पद और मंत्री पद मिलने का इंतजार करेंगी या सपा पार्टी का रुख करते हुए दिखाई दे सकती है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।